Assalamualaikum. Good morning, dear students. How are you all? Hope you all are fine and fit. Let's start computer chapter number 5, Word. Today, we will discuss about copy and move text. Okay? Let's see. Copy means what? Copy means you have to create another text or document. And cut means you have to move one place to another place, text or document. Let's see. We will first copy and paste text. Open the document, the tiger. Home tab is already selected. In editing group, click on the select. You will see a small drop down menu. Click on select all. The drop down menu closes. The entire text is highlighted, means selected. First of all, आपको the tiger का document open करना है. Home tab already जो selected ही है. एडिटिंग ग्रुप के अंदर यहाँ पे सिलेक्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, वहाँ पे एरो पे क्लिक करोगे तो सिलेक्ट ऑल जो है वो दिखेगा आपको, तो सिलेक्ट ऑल के ऊपर क्लिक करना है. तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो जो अपना डॉक्यूमेंट है, टेक्स्ट है, वो सिलेक्ट हो जाएगा. इन क्लिपबोर्ड ग्रुप क्लिक ऑन कॉपी, द सिलेक्टेड टेक्स्ट विल बी copied and put in the clipboard. अब यहाँ पे clipboard group दिया है, उसके अंदर देखो यहाँ पे copy के ऊपर click करना है. You have to click on copy means what? Text will be copied and put in the clipboard. फिर वो copy होके clipboard में store हो जाएगा. Click at the end of the date to deselect the text. You can see the cursor blinking after the date. फिर क्या करना है, यू हैव टू क्लिक एंड ऑफ द डेट. फिर वहाँ पे क्लिक करोगे तो टेक्स्ट है वो डिसलेक्ट हो जाएगा, यानी कि हाईलाइटेड जो है हट जाएगा. ओके, यू कैन सी द कर्सर ब्लिंकिंग आफ्टर द डेट. तो कर्सर जो है यहाँ पे डेट दी हुए उसके पीछे की साइड में ब्लिंक करेगा. ओके, प्रेस द एंटर की ट्वाइस टू लीव टू लाइन्स टू पेस्ट द कॉपी टेक्स्ट. अब यहाँ पे क्या करना है, अपने को एंटर की को दो बार प्रेस करना है और दो लाइन छोड़नी है, फिर वहाँ पे जाके हमको पेस्ट करना है. इन क्लिपबोर्ड ग्रुप क्लिक ऑन पेस्ट, द कॉपी टेक्स्ट विल बी पेस्टेड वेयर द कर्सर वॉज. फिर अपने कर्सर जहाँ पे था वहाँ पे जाके क्लिपबोर्ड में से पेस्ट के ऊपर क्लिक करना है. जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो कर्सर जहाँ पे था वहाँ पे ये टेक्स्ट जो है वो क्या हो जाएगा, पेस्ट. यूज द वर्टिकल स्क्रोल बार टू सी बोथ द कॉपीज ऑफ द टेक्स्ट. अपने को ये वर्टिकल स्क्रोल बार है उसका यूज करके अपने को देख लेना है कि दोनों जो कॉपीड है वो ये डॉक्यूमेंट के अंदर ऑलरेडी है. ऑन द टाइटल बार क्लिक ऑन अंडू द लास्ट एक्शन ऑफ पेस्टिंग द कॉपी टेक्स्ट विल बी कैंसल्ड. फिर हमको क्या करना है, कॉपी जो किया था उसको कैंसल करने के लिए अंडू, तो लास्ट एक्शन है वो कैंसल हो जाएगी. नाउ यू हैव ओनली वन द ओरिजिनल टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट. यू कैन सी द कर्सर ब्लिंकिंग वेयर द कॉपी टेक्स्ट वॉज पेस्टेड. अब यहाँ पे ओरिजिनल जो वन डॉक्यूमेंट था, टेक्स्ट था, वही है. अब यहाँ पे जो अपने कर्सर डेट के है उसके नीचे की साइड में हमको कर्सर जो है ब्लिंक होता हुआ दिख रहा है. ऑन द टाइटल बार क्लिक ऑन रीडू, द एक्शन ऑफ अंडू विल बी कैंसल्ड. वापिस अपने रीडू के ऊपर क्लिक करेंगे तो अंडू की जो एक्शन है वो क्या हो जाएगी, वो कैंसल हो जाए. दिस मीन्स दैट यू कैन अगेन सी द कॉपीड टेक्स्ट पेस्टेड वेयर इट वॉज. यानी कि जो अपने पेस्ट किया था कॉपीड टेक्स्ट को, वो वापिस अगेन क्या हो जाएगी, आ जाएगी. ओके, नाउ वी विल मूव मीन्स वॉट, कट एंड पेस्ट. सिलेक्ट द कॉपी टेक्स्ट, पहले क्या करना है, कॉपी जो टेक्स्ट है
यहाँ पे उसको सिलेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ सिलेक्ट टूल। ओके, इन क्लिप बोर्ड ग्रुप क्लिक ऑन कट, द सिलेक्टेड टेक्स्ट विल बी कट एंड पुट इन द क्लिप बोर्ड। फिर यहाँ पे अपने को क्या करना है, कट जो है उसके ऊपर क्लिक करना है, तो वहाँ से सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो कट हो जाएगा, फिर कहाँ पे जाएगा, पुट इन द क्लिप बोर्ड। नाउ यू हैव ओनली वन द ओरिजिनल टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट, यू कैन सी द कर्सर ब्लिंकिंग वेयर द सिलेक्टेड टेक्स्ट वॉज। अब यहाँ पे ओरिजिनल एक ही जो डॉक्यूमेंट है वो ही रहा है, और कर्सर जहाँ पे मतलब अपने कॉपी टेक्स्ट था, ओके, वहाँ पे ही सिलेक्टेड टेक्स्ट था, वहाँ पे ही कर्सर अपना ब्लिंकिंग होता है। ऑन द टाइटल बार क्लिक ऑन न्यू टू ओपन अ न्यू ब्लैंक वर्ड डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट वन। अब टाइटल बार के ऊपर न्यू का जो आइकन है उसके ऊपर क्लिक करोगे तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन होगा, डॉक्यूमेंट वन। इन द न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट द होम टैब इज ऑलरेडी सिलेक्टेड। इन क्लिप बोर्ड ग्रुप क्लिक ऑन पेस्ट, द कट टेक्स्ट विल बी पेस्टेड इन न्यू डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट वन। फिर क्या करना है, वो डॉक्यूमेंट के अंदर जाके अपने को क्या करना है, क्लिप बोर्ड में से पेस्ट के ऊपर क्लिक करना है, तो जो अपने कॉपी कट किया था वो कहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, न्यू डॉक्यूमेंट वन जो है वहाँ पे। नाउ वी हैव टू डॉक्यूमेंट्स विद द सेम टेक्स्ट। अब हमारे पास डॉक्यूमेंट कितने हो गए, टू, एक तो द टाइगर का जो ऑलरेडी है फाइल वो और डॉक्यूमेंट वन। ऑन द टास्क बार प्लेस द माउस पॉइंटर ओवर वर्ड आइकॉन, इट शोज यू द थंबनेल्स ऑफ द टू वर्ड डॉक्यूमेंट्स दैट यू हैव क्रिएटेड, द टाइगर एंड डॉक्यूमेंट वन। अब यहाँ पे टास्क बार के ऊपर देख सकते हैं, देखो यहाँ पे हम वहाँ पे वर्ड के आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसका थंबनेल यानी कि छोटा सा विंडो हमको दिखेगा, दो डॉक्यूमेंट है, एक तो है द टाइगर का और दूसरा है डॉक्यूमेंट वन। क्लिक ऑन द थंबनेल ऑफ द न्यू डॉक्यूमेंट टू सी इट्स विंडो ऑन द स्क्रीन। अब डॉक्यूमेंट वन के ऊपर क्लिक करोगे तो वो विंडो स्क्रीन के ऊपर दिखेगा। इन द न्यू डॉक्यूमेंट क्लिक ऑन क्लोज, यू विल सी अ डायलॉग बॉक्स। अब न्यू डॉक्यूमेंट है वहाँ पे क्लोज के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमको एक डायलॉग बॉक्स दिखेगा। सी, क्लिक ऑन द नो बटन, वर्ड विल क्लोज द न्यू डॉक्यूमेंट विदाउट सेविंग इट। अब हम उसको सेव नहीं करेंगे तो कहाँ पे क्लिक करना है, नो पे। नाउ यू कैन सी ओनली वन डॉक्यूमेंट द टाइगर ऑन द स्क्रीन। अभी क्या है कि द टाइगर का डॉक्यूमेंट है वही सिर्फ स्क्रीन के ऊपर है। ओके, विद द हेल्प ऑफ सेव बटन यू हैव टू सेव चेंजेस मेड टू द डॉक्यूमेंट एंड क्लोज विद द हेल्प ऑफ क्लोज बटन टू क्लोज द डॉक्यूमेंट। आई होप कि आपको ये वीडियो इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।